आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने हरिद्वार की एक नई ताजा अपडेट के साथ। तो मैं अभी खड़ी हूँ दरिद्र भंजन वाले घाट पे, जहाँ से मैं ऑलमोस्ट अपनी वीडियोस की शुरुआत करती हूँ। तो इसी घाट से थोड़ा अंदाजा लग जाता है गंगा मैया का, घाटों का, कि क्या हाल होगा। अभी गंगा जी, अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो गंगा जी आपको किस स्तर पे मिलेंगी? जब से मॉनसून शुरू हुआ है, गंगा जी का यही हाल है, पूरे अपने संपूर्ण रूप में और विकराल रूप में बह रही हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, जो घाट है ना, ये पूरा जो है वो गंगा जी से भरा हुआ है। वो सामने आपको दिख रहा होगा और नीचे भी आपको दिख रहा होगा कि अभी ही जो है वो जल उतरा है, वरना इससे पहले ये पूरा घाट जो है वो जलमग्न हो रखा था। इस बार की बरसात ने तो दोस्तों आप कह ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा तहलका मचा रखा है। पूरे सावन जो है ना, वो बारिश इतनी ज़ोरों से बरसी है कि पूरे कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो अभी वहीं पे मैं आपको लेके जा रही हूँ, उधर है दक्ष मंदिर, जो कि मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में दिखाया है। और यहाँ पे देखिए आप, गंगा जी कितने तेज वेग में बह रही हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये कूड़ा करकट, ये बिल्कुल उसी बारिश में आया है जो मैंने आपको दिखाई थी इससे पहले हरिद्वार की वीडियो, जिसमें जो नील धारा है वो अपने इतना ज्यादा जल जो है ना, वो पहले भी बताया कि 2013 की आपदा में ही देखा गया है। उससे पहले इतना जल नील धारा में कभी नहीं आया, और उसी के दौरान ये सारा कूड़ा करकट जो है वो आया है यहाँ पे। ये देखिए, तो यहाँ पे भी आप देखिए कितना ज्यादा मिट्टी वाला जल इस वक्त आ रहा है। और कंटिन्यू 10-15 दिनों से यही हाल है माँ गंगा का, कि यहाँ पे सिर्फ मिट्टी वाला ही जल आ रहा है। नॉर्मल रूप पता नहीं कब देखने के लिए मिलेगा माँ गंगा का, कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपने मेरी ऋषिकेश वाली भी वीडियो देखी होगी, जिसमें त्रिवेणी घाट के ऊपर तक जल आ गया था, मतलब जहाँ पे लोग नॉर्मल चलते हैं ना, उस घाट तक जल आ गया था। तो और अभी भी 2-3 दिन पहले भी भारी बारिश हुई है ऋषिकेश में, जिसमें मतलब ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। ऋषिकेश में इतनी बारिश नहीं होती है जितनी इस सीज़न में देखने के लिए मिली है। हालाँकि हरिद्वार में भी और उत्तराखंड में भी, या फिर कह सकते हैं पूरे देश में, बारिश ने इस तरह दर पर रिकॉर्ड तोड़े हैं कि आने वाले कई साल तक कोई रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा सा मौसम हो रहा है अभी, बिल्कुल धूप निकल गई थी और फिर से जो है बादल छा गए हैं। तो हरिद्वार में भी अभी अलर्ट जारी है, रेड अलर्ट आप बोल सकते हैं कि जारी है। उत्तराखंड में बारिश हो रही है, उससे अभी भी खतरा बना हुआ है। तो यहाँ से अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं और घाटों का भी हाल, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी उस घाट से निकल के अभी मैं आ गई हूँ बैरागी कैंप वाले घाट पे, और यहाँ पे देखिए आप माँ गंगा कितने तेज वेग में बह रही है।
और दोस्तों ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ना, ये टापू बनाया हुआ है लोगों के घूमने फिरने के लिए, ताकि लोग यहाँ पे आगे थोड़ा रिलैक्स फील कर सकें। और उस वक्त ना दोस्तों इस टापू के ऊपर भी पानी आ रखा था, बिल्कुल टापू जो है ना वो डूब चुका था गंगा जी में। और अभी देखिए कितना नॉर्मल लग रहा है आपको देखने में, और उस वक्त यह टापू बिल्कुल पानी में डूब चुका था और लोग इस पे आने के लिए डर रहे थे। उधर आपको पुल दिख रहा होगा, उस पुल तक गंगा जी आ रखी थी, तो सोचिए आप उस वक्त कितना ज़्यादा जल जो है वो भरा हुआ था, मतलब खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी माँ गंगा। और अभी थोड़े हाल ठीक हैं तो आप आने की सोच सकते हो, लेकिन गंगा जी से दूरी बनाए रखें, क्योंकि गंगा जी कब अपना संपूर्ण रूप ले लें और कब कुछ हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है, अगर आप अभी हरिद्वार आ रहे हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई खतरे वाली बात नहीं है, बस गंगा जी से थोड़ी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि गंगा जी में जल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। दोस्तों मेरी यही थी एक छोटी सी वीडियो हरिद्वार अपडेट की, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए नमस्कार, हर हर गंगे।